हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम अगेन टू बी अ मॉम फैमिली। और आज हम बात करेंगे कि आपकी बेबी को अगर कोल्ड या फिर कफ हो जाता है तो उस वक्त आपको क्या करना है। अपने मेडिकल स्टोर पे जाना है या आपको बहुत सारी रेमेडीज किचन में आपके अवेलेबल हैं। तो ये एज अ पेरेंट्स हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने बेबी के लिए कि उसको कोई पिल्स नहीं देना चाहते, उसको एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहते, सीरप्स नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये एलोपैथिक मेडिसिन होती है। बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को देना हम लोग बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उसको देते हुए। तो अब इस वीडियो में हम ये बात करेंगे क्या आपको मेडिकल स्टोर पे रन करना है या फिर आपको जाना है अपने किचन में। इससे पहले एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगी, कोल्ड और कफ ये दो तरीके से होता है, एक वेट होता है, एक ड्राई। जो वेट कोल्ड या कफ होता है उसमें बच्चे का जो नेसल एरिया होता है या थ्रॉट एरिया होता है, यहाँ पे बलगम जैसा या फिर इसको कफ बोलेंगे, वो जमा हो जाता है जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है ड्राई कोल्ड या कफ। ड्राई कोल्ड और कफ में बच्चे को कोई भी बलगम जैसा या फिर उसको कफ नहीं होता है, वो ड्राई खांसी होती है, ड्राई कोल्ड होता है, वो बच्चा बहुत ही इरिटेट होता है ऐसे केस में। कोल्ड और कफ जो होता है वो बहुत सारे बैक्टीरिया जो आपके एनवायरनमेंट में है, लाइक आपका वेदर चेंज हुआ और किसी को आपके घर में कोल्ड या कफ हो गया, तो वो स्नीजिंग के थ्रू, मतलब जब छींक आती है या फिर बात करते टाइम या फिर किसी भी पर्पस से या फिर खांसी के टाइम पे उससे जो जर्म्स बाहर आते हैं वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत ही वीक होता है और बच्चों को ये कैच होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर घर में किसी को कोल्ड या कफ है तो उससे थोड़ा सा उस बेबी को एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें ताकि जो है बेबी को ये प्रॉब्लम ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और डिस्कस करते हैं वो होम रेमेडीज जो आपके किचन में अवेलेबल हैं। सबसे पहले और जो नेचुरल फूड है वो है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो आपके बेबी के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। और एक चीज़ और होती है कि आपका बेबी हमेशा अपनी मदर की गोद में बहुत कंफर्ट फील करता है, जिसकी वजह से जब भी वो अपनी माँ के पास आता है तो उसको जो है ये कोल्ड एंड कफ से काफ़ी रिलीफ मिलता है, उसको एक गर्म सा एहसास होता है। और ब्रेस्ट मिल्क में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बेबी के लिए हेल्दी होती हैं। एक मिथ भी है, कुछ लोग कहते हैं मान लीजिए ब्रेस्ट फीड अगर मदर करा रही है उसको कोल्ड हो जाता है तो जो है बेबी को भी हो जाएगा, तो वो ब्रेस्ट फीड से उसको नहीं हुआ है, वो एक्चुअली उन जर्म्स से हुआ है जो बेबी एक्चुअली मदर के क्लोज रहता है, ब्रेस्ट फीड कराती है, ठीक है, तो बेबी बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है, इस वजह से उस बेबी को भी जो है कोल्ड या कफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है नेसल ड्रॉप, मतलब पीडियाट्रिशियन बेबीज़ को अगर ज़्यादा नोज़ बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे केस में पीडियाट्रिशियन आपको जो है नेसल ड्रॉप देते हैं। लेकिन इमरजेंसी के केस में आप सलाइन ड्रॉप अपने घर पे भी बना सकते हो। सलाइन ड्रॉप में सिर्फ नमक और पानी होता है, वो आप अपने बेबी के नाक में डाल दीजिए, उससे क्या होता है बेबी को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसको आप घर में कैसे बना सकते हो, आप ले लीजिए पहले, सबसे पहले अपने स्पून को स्टरलाइज कर लीजिए, उसको उबाल लीजिए, उसमें आधा चम्मच आप नमक ले लीजिए और 8 टीस्पून छोटे चम्मच जो है पानी ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको जो है अपने बेबी की नाक में डालिए किसी भी ड्रॉपर के थ्रू। जब भी ब्रेस्ट फीड कराएं उससे पहले भी आप अपने बेबी की नाक में ये 2 बूंद डाल दीजिए, उससे क्या होगा उसका जो अंदर का सारा म्यूकस है वो बाहर धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी का पेस्ट जो आप जानते ही हो, हल्दी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, बहुत सारी बीमारियों में ये फायदे करती है, तो टर्मरिक को आप क्या कर सकते हो, उसमें हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, उसका एक पेस्ट बना लीजिए, बेबी के पाम में, उसके फोरहेड पे, उसके चेस्ट पे, उसके बैक पे या उसके पैरों के तलवों पे उस पर लगा दीजिए। थोड़ी देर के बाद उसको एक मतलब मुस्लिन के कपड़े से उसको साफ कर दीजिए। आपके बेबी का जो मतलब चेस्ट पे जो जमा हुआ है, थ्रॉट एरिया में जो जमा हुआ म्यूकस है वो उसे डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत मतलब गर्म जो होता है उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे आपके बेबी को काफ़ी हेल्प होगी।
नेक्स्ट रेमेडी इज मस्टर्ड ऑयल मसाज. मस्टर्ड ऑयल की मसाज को किस तरीके से आपको करना है वो मैं आपसे बताऊंगी और उसकी रेमेडी क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी. आप एक कप मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें लगभग 3 से 4 क्लोव्स मतलब गार्लिक यानी कि लहसुन ले लीजिए और कलौंजी लगभग आधा चम्मच कलौंजी ले लीजिए. अब आप क्या करें, एक पैन लीजिए, उसमें वो एक कप जो आपने मस्टर्ड ऑयल लिया है वो डाल दीजिए. साथ में जब वो गर्म हो जाए तो उसमें आप गार्लिक डाल दीजिए, उसको हल्का ब्राउनिश कर लीजिए, उसके बाद में उसको कलौंजी डाल दीजिए. ध्यान रहे कि ये जलना नहीं चाहिए, हल्का सा ब्राउन होना चाहिए. अब इसको छान के आप एक बॉल में कर लीजिए या किसी कंटेनर में कर लीजिए. धीरे धीरे आप इसको जब ये बिल्कुल हल्का हो जाए, हल्का गुनगुना गर्म हो जाए, तो अपने बेबी के उसके पाम पे, उसकी चेस्ट पे, उसके फीट पे मतलब पैर के तलवे पे और उसके नेल्स पे लगा दीजिए. कुछ देर के बाद जो है आप इसको वाइप कर दीजिए मूसलिन के कपड़े से. ध्यान रहे कि उस वक्त लगभग 15 से 20 मिनट तक पंखा मत चलाएं क्योंकि ये उसका जो है एडवर्स इफेक्ट डालता है. तो ये आपके लिए बेबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा. कलौंजी की जगह आप अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट होम रेमेडीज है स्टीम मतलब भाप लेना. जिस तरीके से हम लोग एक पैन लेते हैं उसमें पानी उबाल के उसमें से भाप लेना, एक कपड़ा डाल के भाप लेते हैं, उसी तरीके से आप अपने बेबी को भी भाप दीजिए मतलब स्टीम दीजिए. लेकिन प्रोसेस जो है बिल्कुल अलग रहेगा. आप क्या करिए, अपने बाथरूम में जाइए, उसमें आपका मतलब जो गीज़र है उसको ऑन कर दीजिए. जब पानी काफ़ी गर्म हो जाए तो टैप जो है ऑन कर दीजिए, शावर ऑन कर दीजिए और अपने जो उसका डोर है उसको बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए. अब जब उसमें काफ़ी सारी स्टीम हो जाए तो वहाँ अपने बेबी को अपने साथ में लेके जाइए और उसके नाक में जो धीरे धीरे वो हवा जो है अंदर जाएगी जिससे उसका म्यूकस जो है वो रिलीज हो जाएगा. साथ में आप स्टीमर भी ले सकते हो, उसका भी सेम प्रोसेस है, आप उससे भी बेबी को काफ़ी हेल्प होगी. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर ड्रेस. ठंड के मौसम में या फिर कभी कभी बेबी को इस सीज़न में भी लाइक बरसात के मौसम में भी जो वेदर बहुत अप डाउन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कभी एकदम टेम्परेचर हाई होता है, कभी एकदम लो हो जाता है, तो उस केस में अपने बेबीज़ के ड्रेस को हमेशा ध्यान रखें कि जैसा वेदर है उसके हिसाब से उसको ड्रेसअप करें. जिससे क्या होगा, बेबी को ठंड लगने के चांसेस जो हैं वो कम रहेंगे और बेबी को कोल्ड एंड कफ जो है वो भी नहीं रहेगा. ऐसे में बच्चों को पानी से बहुत दूर रखना होता है. क्यों? क्योंकि पानी में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है खेलने में, खासकर जो मतलब 9 मंथ बेबी होते हैं, 12 मंथ होते हैं या फिर 1 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. जो मैंने नोटिस किया, 6 महीने से कम बच्चों को ये कोल्ड एंड कफ बहुत कम ही होता है. मेरे साथ ऐसा ही हुआ था क्योंकि जब मेरा बेबी बहुत एक्टिविटी करने लगा था, बाहर निकलने लगा, गोद में नहीं रुकता था, तो ऐसे में प्रॉब्लम आती है. तो उस वक्त आपको प्रॉपर ड्रेसअप करना होता है अपने बेबीज़ को. नेक्स्ट वन इज वाटर. लिक्विड आपको बहुत देना है अपने बेबीज़ को. अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो वो वेल एंड गुड है, ब्रेस्ट फीड दीजिए. 6 मंथ अबव आपका बेबी है तो उसको आप जो है दे सकते हो, मतलब पानी भी दे सकते हो हल्का गुनगुना, और वो फिल्टर वाटर दीजिए, वो बेबी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तो इससे क्या होगा, बेबी में जो लिक्विड की कमी होती है वो पूरी होगी और बेबी को इस प्रॉब्लम से आराम मिलेगा. नेक्स्ट होम रेमेडीज है जो 9 मंथ प्लस बेबी के लिए है, जायफल. जायफल का सिरप, जायफल को आप सिलवट्टा ले लीजिए, उसमें हल्का सा घिस लीजिए या फिर आप छोटा वाला कद्दूकस आता है उससे हल्का हल्का पाउडर बना लीजिए, उसमें हल्का सा गुनगुना पानी मिक्स कर दीजिए. आपको 0.5 ml मतलब बहुत कम क्वांटिटी जायफल की देनी है. जायफल की बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, इसको ब्रेन फूड भी माना जाता है. तो ये आप अपने बेबी को इजीली दे सकते हैं, लगभग दिन में 2 से 3 या 4 बार आप दीजिए, उससे उसको रिलीफ मिलेगा. नेक्स्ट इज गुड़ का जो एक पूरा मिक्सचर है वो मैं आपको बताऊंगी. आप ले लीजिए 1 से 2 स्पून जगरी यानी कि गुड़, उसमें आप 2 ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डालिए, थोड़ा सा क्वांटिटी जो है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा उसका पाउडर 1 पिंच आप डाल दीजिए, साथ में 1 कप पानी ले लीजिए, सबको मिक्स कर लीजिए. मिक्स करने के बाद जब वो ठंडा, उसको हीटअप कर लीजिए, उसे गर्म करने के बाद उसे ठंडा करके लगभग थोड़ा थोड़ा लगभग आधा चम्मच जो है
धीरे धीरे अपने बेबीज को दीजिए, दिन में 3 से 4 बार, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट होम रेमेडीज़ है हनी। हनी लेकिन आपको ध्यान रखना है 1 साल से ऊपर के बच्चों को देना होता है, क्योंकि इससे बॉटलिज्म नाम की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो उसको बैक्टीरिया को झेल पाए। इसीलिए ध्यान रहे जो हनी है वो आपको 1 साल से ऊपर के बच्चे को ही देना है। हनी को आप ब्लैक पेपर के साथ दे सकते हो, आप जिंजर यानी कि अदरक के साथ भी दे सकते हैं, लेमन और हनी का जो एक पानी में मिक्स करके आप वो भी अपने बेबी को दे सकते हैं। नेक्स्ट होम रेमेडी है इन्फ्यूज्ड वाटर, मतलब इसमें आपको क्यूमिन सीड लेना है, इसमें अजवाइन लेनी है और तुलसी की लीव्स लेनी है। लगभग मान लीजिए आधा चम्मच क्यूमिन सीड, आधा चम्मच आपको अजवाइन और 3 से 4 आप तुलसी की लीव्स ले लीजिए, उनको बॉइल कर लीजिए, बॉइल करके उसको छान लीजिए, छान के दिन में लगभग 3 से 4 बार जब वो ठंडा हो जाए तो अपने बेबी को हल्का सा गुनगुना करके दे, उससे बेबी का म्यूकस जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स बी अ मॉम की तरफ से कि आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहली चीज, कोल्ड और कफ को इग्नोर ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सीवियरिटी जब हो जाती है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नेक्स्ट टिप है, अगर बेबी का म्यूकस जो है वो ग्रीन आ रहा है तो इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें और फौरन अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। नेक्स्ट टिप है, अगर बेबी को फीवर है, हाई फीवर है, तो उसको भी नेग्लेक्ट ना करें, अपने बेबी को फौरन पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। ध्यान रहे जो भी रेमेडीज आपके घर सबसे पहले अवेलेबल हैं कोशिश करें उसको देने का, अगर उससे कुछ इफेक्ट ना पड़ रहा हो तो नेक्स्ट रेमेडी पे स्विच करें। नेक्स्ट वन इज, ध्यान रखें जब भी कोई भी रेमेडीज आप यूज कर रहे हो तो वो उस रेमेडी से या उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है उससे आपके बेबी को कोई एलर्जी तो नहीं है, या कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी तो नहीं है कि उससे किसी को एलर्जी हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बेबी को दें कोई भी रेमेडी तो उसके इंग्रेडिएंट से उसको कोई एलर्जी नहीं होना चाहिए। साथ में मान लीजिए उसको वेट कोल्ड है या उसको ड्राई कोल्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करें कि आपको कौन से वक्त पे कौन सी रेमेडी अपने बेबी को देनी है। बेबी के कोल्ड एंड कफ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि इससे निमोनिया भी होने के चांसेस होते हैं। साथ में आपको नेक्स्ट टिप है कि बिल्कुल डी स्ट्रेस रहें, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। अगर आपका बेबी किसी फूड को नहीं ले रहा है या खाने में वो आनाकानी कर रहा है, वो नहीं खाना चाह रहा है, तो उसको फोर्स ना करें, क्योंकि उस टाइम उसके जो अंदर सब कुछ चल रहा है वो बहुत ज़्यादा एकदम कन्फ्यूज है, उसको बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि उसका नाक ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट आपको स्लीपिंग पे ध्यान रखना है, स्लीपिंग पैटर्न आपका हल्का सा पिलो रखें बेबी के, या साइड स्लीप करें, क्योंकि जब हम साइड स्लीप हम लोग भी करते हैं तो हमारा एक साइड का नोज जो होता है वो खुल जाता है, जिससे हमको रात में प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ टिप्स हैं जो कॉमन कोल्ड के लिए हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे बी एम की चैनल की तरफ से, ये आपके लिए कुछ टिप्स हैं। इसमें सबसे पहला टिप है, जब भी आप अपने बेबी के लिए उसको गोद में उठा रहे हो या कभी भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो अपने हाथों को वॉश करें खाना बनाने से पहले, उसके लिए फूड प्रिपेयर करने से पहले, ताकि जो जम्स हैं वो जो है वो किल हो जाए। नेक्स्ट टिप है, जो भी आप अपने बेबी को फूड दे रहे हो उसमें फाइटोकेमिकल से जिसमें ज़्यादा हो वो फूड अपने बेबी को दीजिए। जस्ट लाइक आपको ग्रीन वेजीज देनी है, रेड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दें, जो आपकी बेबी की इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। नेक्स्ट टिप है, अपने बेबी को ट्रेन करें कि जब भी वो स्नीज करे, ठीक है, या उसको मतलब छींक आ रही हो या फिर उसको खांसी आ रही हो, ठीक है, तो वो एक टिश्यू पे। नेक्स्ट टिप है कि जब अपने नेक्स्ट टिप है अपने बेबी को जो है वो ट्रेन करें कि जब भी वो स्नीज करें मतलब छींके या उसको खांसी आए तो टिश्यू पेपर को यूज़ करें। उसके साथ में आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने एल्बो को यूज़ करें, मतलब हम लोग एकदम छींकते हैं, सामने छींकते हैं या फिर हाथ इस तरीके से लगा के छींकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे हमेशा इस तरीके से आप अपने बेबी को ट्रेन करें वो छींके, ताकि जो जम्स जो हैं वो उसके हाथ पे ना चिपके। जब वो जर्म्स जो होंगे वो चिपक जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम जो होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, इन चीज़ों की ट्रेनिंग भी आप अपने बेबी को दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो वो आप लिख के दें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। एंड बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।